नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोज लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। इतिहास और नागरिक शास्त्र, कक्षा आठवीं। कक्षा आठवीं में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास यानी हमने 16वीं शताब्दी के आगे से हमने पढ़ना शुरू किया है इस कालखंड में, और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। तो ये है पाठ 10, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन, भाग 1। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अलग अलग ढंग से आंदोलन हुए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, और उन्हीं में से एक रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। सशस्त्र क्रांति ने भारत के आजादी के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस पाठ में सशस्त्र क्रांति में सबसे पहला जो जिक्र होता है वो है 1857 ईस्वी के पूर्व अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हुए विद्रोह। हम 1857 को भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया पहला संग्राम मानते हैं, उसी रूप में इसे हम जानते हैं, लेकिन उसके पहले भी भारत में, पूरे भारत भर में स्थानीय स्तर पर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध कई विद्रोह हो चुके थे। और उसके बाद अब चूंकि वो विद्रोह केवल स्थानीय स्तर के थे, कोई संगठित विद्रोह नहीं थे, इसीलिए वे सफल नहीं हुए। और उसके बाद बड़े पैमाने पर हुआ 1857 ईस्वी का युद्ध, हालांकि यह युद्ध भी कुछ कारणों से विफल रहा, और भारतीय अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन इतनी असफलताओं या विफलताओं के बावजूद भारतीय जनमानस के मन से स्वतंत्रता की बात कभी गई नहीं। अलग अलग समय पर वह अलग अलग रूप में अपना सिर उठाती रही, जिसका परिणाम हुआ सन 1947 में भारत की आज़ादी। लेकिन उस आज़ादी को पाने के लिए कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए, तो आओ उनके बारे में आज हम कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं राम सिंह कूका के बारे में। राम सिंह कूका ने पंजाब में सरकार के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई थी। यह 1857 से पहले की बात है। 10 मई 1857 को पहला मंगल पांडे ने विद्रोह किया, और उसके बाद जो स्वतंत्रता युद्ध की चिंगारी भड़की, ये उसके कुछ समय पहले की बात है। राम सिंह कूका, संत गुरु राम सिंह, यह पंजाब के बड़े विचारक थे, संत थे। आपने 12 अप्रैल 1857 को जिला लुधियाना पंजाब में सफ़ेद रंग का स्वतंत्रता का ध्वज फहराकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। देखो यहाँ पर दिनांक जो आ रही है 12 अप्रैल 1857 को, तो उस समय इन्होंने पंजाब में अपने आज़ादी का ऐलान कर दिया था। वहाँ के ब्रिटिश शासन के ध्वज को हटाकर, उनके यूनियन जैक को हटाकर उन्होंने एक सफ़ेद रंग का ध्वज फहराया था, क्योंकि उस समय तक भारत का कोई आधिकारिक ध्वज नहीं था। तो उन्होंने सफ़ेद रंग का ध्वज फहराया और भारत की आज़ादी का शंखनाद कर दिया। वे प्रथम नेता थे जिन्होंने कूका विद्रोह के द्वारा असहयोग और ब्रिटानी वस्तुओं तथा सेवाओं के बहिष्कार को अंग्रेजों के विरुद्ध एक राजनैतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया।
कूका विद्रोह क्या है? तो कूका विद्रोह है सन 1871-72 में पंजाब के कूका लोग, वहाँ के जो नामधारी सिख हैं उन्हें कूका कहा जाता है, तो कूका लोगों ने एक सशस्त्र विद्रोह किया था और उसे हम कूका विद्रोह के नाम से इतिहास में पढ़ते हैं। और राम सिंह कूका और उनके अनेक साथियों ने इसमें उन्हें सहयोग दिया था। तो पाठ 10 सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में हम राम सिंह कूका के बारे में जान चुके हैं और जानेंगे अब वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु, अभिनव भारत, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, इंडिया हाउस, गदर आंदोलन, काकोरी षड्यंत्र, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और चटगांव शस्त्रागार पर हमला, ऐसे अनेक लोमहर्षक घटनाओं को हम जानेंगे। तो चलो सबसे पहले चलते हैं हम अपने महाराष्ट्र में और यहाँ के ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं जिनको इतिहास कभी भुला नहीं सकता। सबसे पहला नाम है अमर क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु और वीर सावरकर जी। वासुदेव बलवंत फड़के को प्रथम क्रांतिकारी या आद्य क्रांतिकारी भी कहा जाता है। वासुदेव बलवंत फड़के कुलाबा रायगढ़ जिले से संबंधित थे। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। उनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शस्त्रों के साथ ही संघर्ष करना चाहिए और इसलिए उन्होंने वस्ताद लहूजी साल्वे से शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण लिया। उस्ताद लहूजी साल्वे भी अपने समय के प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी रहे हैं। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के लिए वासुदेव बलवंत फड़के जी ने पिंडारियों या रामोशी, जो जनजाति है यहाँ की, रामोशियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि यह विद्रोह विफल रहा लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के जी ने हिम्मत नहीं हारी। वासुदेव बलवंत फड़के को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एडन के कारावास में भेजा। ये एडन का कारावास कहाँ है? ये है यमन देश में और इसी जगह 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। आओ देखें एडन कहाँ पर है। तो ये हम देख रहे हैं सऊदी अरेबिया या ओमान और इसी के नीचे एक छोटा सा ये जो दिखाई दे रही है पट्टी, ये देश है यमन और इस देश में एक प्राकृतिक बंदरगाह एडन, यहीं पर उनको भेजा गया था। ये यमन, यहाँ का ये बंदरगाह एडन और ये है वो एडन की जेल जहां पर उनको बंद करके रखा गया था। यहां से एक बार उन्होंने भागने का प्रयास किया लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके, लेकिन अंग्रेज सरकार घबरा गई थी और अंग्रेज सरकार ने उसके बाद जेल की दीवारों पर, ये आप देख रहे हो कि इस तरह से तार लगवा दिए थे, दीवार ऊंची करके इस पर तार लगवा दिए थे। यहां 1839 से 1967 के काल में ब्रिटिश शासन का कब्जा रहा और इस दौरान 1937 तक इसे ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना जाता था, यानी इस यमन को 1937 तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना गया था। अब यदि हम विश्व के मानचित्र में देखें तो हम देखते हैं ये हमारा भारत देश है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, ऊपर हम ये यूरोप महाद्वीप देख रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप के अन्य देश हैं, ये सऊदी अरेबिया और इसके नीचे ये छोटा सा देश जो दिखाई दे रहा है यमन। तो अंग्रेज सरकार इतनी घबरा गई थी कि यदि वासुदेव बलवंत फड़के जी को भारत के किसी हम जेल में रखते हैं
तो पहले तो उनकी गिरफ्तारी से ही जनता गुस्से में आ जाएगी, और गुस्से में आकर फिर से कोई बड़ा विद्रोह हुआ तो उसे कुचलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, और इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें भारत से दूर यमन के एडन जेल में भेज दिया। हम ये देखें तो ये एमन यमन का ये है एडन बंदरगाह, यह एक बड़ा शहर है अदन का, यमन का एक बड़ा शहर है अदन, यमन जो है ये राष्ट्र है और अदन जो है वहाँ का एक शहर है। यह उस देश का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र और बंदरगाह है। अंग्रेज सरकार इतनी डर गई थी कि वो उन्हें भारत में रखने की हिम्मत नहीं कर सकी, और उन दिनों यह यात्रा इतनी सरल सहज और सुगम नहीं थी। आज हमको लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यातायात के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन उस समय यातायात के इतने साधन नहीं थे, तो उन्हें जहाज के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा यहाँ भेजा गया और यमन की एडन जेल में रखा गया। वासुदेव बलवंत फड़के को हम सशस्त्र क्रांति के पितामह के रूप में याद करते हैं। साल 1875 में अंग्रेजों को उखाड़ने के लिए महाराष्ट्र में कोली, भील और ढंगर समूहों के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन रामोशी खड़ा किया। सशस्त्र क्रांति के लिए हमें शस्त्रों की आवश्यकता होती है, हथियारों की जरूरत होती है, और हथियार बनाने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं। तो सशस्त्र संग्राम के लिए, और उस समय महाराष्ट्र में सूखा पड़ा था, हमारे किसान परेशान थे, तो सूखे की मार से तंग आए किसानों को पैसा देने के लिए फड़के और उनके साथियों ने कई सरकारी खजाने लूटे, और कुछ दिनों के लिए तो उन्होंने पुणे पर भी अधिकार कर लिया था। अंग्रेज शासन को वहां से हटाकर उन्होंने स्वयं पूरा कब्जा कर लिया था, तो अंग्रेज सरकार उनसे घबराने लगी थी और उन्हें 1879 में पकड़कर कैद कर लिया और उन्हें भारत में नहीं रखा बल्कि यमन के एडन जेल में भेज दिया गया। ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि एक तो भारतीय जनता नाराज हो जाएगी और दूसरे यहाँ पर फिर से एक विद्रोह भड़क उठेगा। फरवरी 1883 में वो जेल से भागने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद फिर से पकड़ लिए गए और उन्हें फिर से उसी जेल में रखा गया। इस बार उनकी जो सुरक्षा थी वो और कड़ी कर दी गई और सन 1883 में इसी जेल में उनकी मृत्यु हुई। वासुदेव बलवंत फड़के के बाद एक और प्रसिद्ध नाम है महाराष्ट्र के चाफेकर बंधुओं का। ये तीन भाई थे, तीनों भाई भारत की आज़ादी के लिए प्रयत्नशील, संघर्षरत। 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग की महामारी फैली थी और इस महामारी का बंदोबस्त करते समय प्लेग कमिश्नर रैंड ने अन्याय और अत्याचार किए, और हम सब जानते हैं कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे ये जब अत्याचार करने पे उतरते थे तो इनके अंदर दया, करुणा, मानवता के लेश मात्र रेखा भी दिखाई नहीं देती थी। तो वहाँ जो दामोदर चाफेकर और बालकृष्ण चाफेकर ये दोनों भाई, इन्होंने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी, क्योंकि ये इतने क्रोधित हुए कि इनको लगा कि ये एक तो जनता इस समय ऐसे बीमारी से जूझ रही है, परेशान है, त्रस्त है, और उसमें आप इस तरह से अत्याचार कर रहे हो, ये इनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव, इन तीन भाइयों और उनके सहयोगी महादेव रानडे को फांसी दे दी गई, लेकिन चाफेकर बंधु इतिहास में अमर हो गए। चिंचवड़ पुणे में चाफेकर बंधुओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। हम सब भारतीय श्रद्धा से इन्हें नमन करते हैं। और इसी समय बिहार में मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह किया। केवल महाराष्ट्र में ही विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी ऐसा नहीं था, पूरे भारत में, भारत के कोने कोने में यहाँ की जनता अपने आज़ादी के लिए संघर्षरत थी। और बिहार में वहाँ के जो मुंडा आदिवासी लोग हैं, उनका एक नेता थे बिरसा मुंडा,
और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उनके नेतृत्व में इन आदिवासियों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया। इसी के साथ और एक नाम आता है, स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का। 1900 ईस्वी में स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नामक क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन की स्थापना की। 1904 ईस्वी में इसी संगठन को अभिनव भारत नाम दे दिया गया। सावरकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। ये है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश ब्रिटेन का देश, और ये है इंग्लैंड, और यही इंग्लैंड पर गए थे सावरकर जी। वहाँ से उन्होंने अभिनव भारत संगठन के भारतीय सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य, पिस्तौल आदि सामग्री भेजना प्रारंभ किया। प्रसिद्ध इटालवी क्रांतिकारी जोसेफ मैजिनी का प्रेरणादायक चरित्र भी लिखा। यह है वो इंडिया हाउस जहां पर सावरकर जी 1906 से 1909 तक रहे। मई 1908 को इंडिया हाउस में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया गया। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और उसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई 8 मई 1908 को इंडिया हाउस में। हालांकि अंग्रेज इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते थे, अंग्रेजों ने इसे गदर का नाम दिया था, लेकिन यह गदर या बगावत नहीं थी, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसके पहले किसी ने इस तरह की हिम्मत नहीं की थी कि इंग्लैंड में जाकर ही वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम का महोत्सव मनाए। ये है प्रसिद्ध पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर। ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध था, यह प्रतिपादित करने वाली पुस्तक है 1857 चे स्वातंत्र्य समर। यह पुस्तक वीर सावरकर जी ने लिखी। सावरकर ने पूरी पुस्तक मूलतः मराठी में लिखी और 1908 में यह पुस्तक पूरी हुई। इसका मुद्रण इंग्लैंड और जर्मनी में नहीं हो पाया। इंडिया हाउस में रह रहे कुछ छात्रों ने इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया और अंततः यह पुस्तक 1909 में हॉलैंड में मुद्रित हुई। वहाँ पे इसको प्रिंट निकाला गया, वहीं पे वो प्रकाशित हुई। सरकार को अभिनव भारत संगठन की गतिविधियों का सुराग लगा, अतः सरकार ने बाबा राव सावरकर को बंदी बनाया। बाबा राव सावरकर जी विनायक दामोदर सावरकर जी के बड़े भाई थे और सावरकर जी केवल स्वयं ही स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, उनका पूरा घर, उनके दोनों भाई भी स्वातंत्र संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। बाबा राव सावरकर जी नासिक में थे तो विनायक दामोदर सावरकर जी इंग्लैंड में थे। अपनी अपनी जगह पर रहकर अपने अपने क्षमता के अनुसार उन्होंने अंग्रेज सरकार से लोहा लिया था और बाबा राव सावरकर जी से अंग्रेज सरकार को डर लगने लगा कि ये तो अब यहाँ के लोग तो अब बढ़ते ही जा रहे हैं और ये लोग यदि इनको नहीं रोका गया तो धीरे धीरे ये तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे, हमारा शासन यहाँ चलाना मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए बाबा राव सावरकर जी को बंदी बना लिया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इस सजा का प्रतिशोध लेने के लिए अनंत लक्ष्मण कान्हेरे नाम के युवक ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी। जैसे ही बाबा राव सावरकर को बंदी बनाया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, भारतीय जनमानस खौल उठा। नासिक के जो लोग थे
वो धधक उठे और उसका उनको इतना इतना गुस्सा उनके मन मस्तिष्क में छा गया कि अनंत लक्ष्मण कानेरे नाम के एक लड़के ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या ही कर दी। अब सरकार एकदम से एक्शन में आ गई और उन्होंने अभिनव भारत संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। स्वातंत्र्य वीर सावरकर को 50 वर्ष सश्रम कारावास की सजा काटने के लिए अंडमान ले जाया गया। वे वहां 10 वर्ष रहे। सावरकर ने अपने आत्मचरित्र माझी जन्मठेप म्हणजे मेरा आजीवन कारावास में अंडमान के उन भयंकर और यातनामय दिनों के अनुभव लिखकर रखे हैं। और बच्चों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सावरकर जी के बड़े भाई बाबा सावरकर जी भी वहाँ उसी जेल में थे, अंडमान में थे, और विनायक दामोदर सावरकर जी भी वहाँ पर थे, लेकिन इन दोनों भाइयों को पता ही नहीं था कि हम दोनों यहाँ पर हैं। बाबा राव सावरकर जी को ये पता है कि दामोदर सावरकर जी इंग्लैंड में हैं, और विनायक दामोदर सावरकर जी को ये पता है कि मेरे भाई जो है वो नासिक में हैं, लेकिन दोनों भाई अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने में सफल रहे थे और अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और दोनों जन को कैद करके अंडमान की जेल में रखा गया था। अब इस चित्र में हम यहाँ देख रहे हैं, ये अंडमान की जेल है और यहाँ पर रह रहे इन दोनों भाइयों को पता ही नहीं था कि हम दोनों भाई इसी जेल में हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि कोल्हू पेरते हुए ये दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ और तब इनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। अरे हम दोनों भाई यहाँ पर, हमारा मिलना भी हुआ तो इस तरह से। तो ऐसे ऐसे कठिन संघर्षमय दिन हमारे क्रांतिकारियों ने गुजारे जिसका परिणाम है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। अब हम देखते हैं बंग भंग आंदोलन को। अंग्रेज सरकार ने हमेशा से ही फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाया था। उन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की 19 जुलाई 1905 को और बंगाल का विभाजन कर दिया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। ये जो पूर्वी बंगाल का इलाका है ये आसाम है, तो आसाम और पूर्वी बंगाल को मिलाकर एक प्रांत बना दिया गया और ये जो आप देख रहे हो इसे पश्चिमी बंगाल का रूप नाम दे दिया गया। और इसकी घोषणा की थी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। उन्होंने डिवाइड एंड रूल कैसे करेंगे कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का काम शुरू कर दिया था। जो हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर मिलजुल कर रह रहे थे तो अंग्रेज सरकार को लगा कि यदि ये ऐसे ही मिलजुल कर रहते रहे तो ये तो एक दिन हम पर भारी पड़ जाएंगे। तो अंग्रेज शासन अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए उन्होंने ये नीति यहाँ शुरू की, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज्य करो। और इसलिए उन्होंने एक मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को दो भागों में बांटने का निर्णय लिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और उन्होंने घोषणा तो की थी 19 जुलाई 1905 को और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी माना गया और इस इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। बंग यानी बंगाल, भंग यानी उसको तोड़ दिया गया, भंग कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। तो ये बंग भंग हुआ 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों के विरोध में असंतोष और अधिक प्रखर हो गया। वहाँ बंगाल की जनता को यह मंजूर नहीं था कि उन्होंने अंग्रेजों ने उनके बसे बसाए घरों को दो टुकड़ों में बांट दिया है। अब इसके लिए बंगाल में अनेक क्रांतिकारी संगठन आगे आए और उसमें एक प्रमुख संगठन था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की 500 से अधिक शाखाएं थी और इस संगठन के प्रमुख थे बारिंद्र कुमार घोष, जो अरविंद घोष के भाई थे। और ये समिति जो थी ये बम बनाने का काम भी करती थी, तो इस समिति का बम बनाने का केंद्र कोलकाता के निकट मणिकतल्ला में था। 1908 ईस्वी में अनुशीलन समिति के सदस्यों में से दो सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने योजना बनाई कि हम जो यहाँ का न्यायाधीश है किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या कर देंगे। और इसके लिए इन्होंने जो प्लान किया कि इसके अनुसार जो ये दोनों अधिकारी जब अपनी बग्घी में बैठ कर जाते होंगे तब इन पर हम बम फेंकेंगे।
उन्होंने जिस गाड़ी पर बम फेंका, दुर्भाग्य से उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं थे, लेकिन इस हमले में गाड़ी में सवार दो अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हुई। अंग्रेजों के हाथों में न पकड़ा जाऊं इसलिए प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मार ली, लेकिन खुदीराम बोस जो है वो पुलिस के हाथों पकड़े गए, उन पर मुकदमा चलाया गया और अंततः उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी दे भी दी गई। इस कांड की जांच करते समय पुलिस को अनुशीलन समितियों की और बहुत सारी गतिविधियों की जानकारी लगी। उन्होंने धरपकड़ शुरू की और कई सदस्यों को पकड़ा। हालांकि इस धरपकड़ में अरविंद बाबू का संबंध वो बम बनाने से नहीं जोड़ सके, इसलिए उनको तो निर्दोष रिहा कर दिया गया, लेकिन अन्य सदस्यों को बहुत लंबी अवधि की सजा सुनाई गई। तो इस तरह से बंगाल में ये क्रांतिकारी आंदोलन दिनों दिन जोर पकड़ने लगा। यह वीडियो देखा, सुना और समझा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।